फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। कॉर्न बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद होते हैं, तो आज इसी से हम कॉर्न पोटैटो फ्राइज बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्मॉल बाउल कॉर्न और 5 आलू। अब हम इन दोनों को उबाल लेते हैं। ये हमने एक बर्तन में कॉर्न डालकर उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। पानी आप उतना डालिए कि कॉर्न अच्छे से भीग जाए और इसे बॉईल कर लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। आलू को भी बॉईल कर लेते हैं। इसे हमने गैस की दूसरी जगह बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी ये सॉफ्ट नहीं हुए हैं, इसे हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी ये कॉर्न हमारे बॉईल हो चुके हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसे एक बार छान लेते हैं। अब हम इसे छन्नी में निकाल लेते हैं। जब हमारे कॉर्न ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अपने आलू छील लेते हैं। ये कॉर्न हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे एक बार मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। कॉर्न को ग्राइंड करते वक्त हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। ये हमने अपने कॉर्न को ग्राइंड करके इसका थोड़ा दरदरा पेस्ट बना लिया है। अपने आलू को भी मैश कर लेते हैं। आलू हमारे सारे मैश हो गए हैं, अब हम इसमें अपना कॉर्न का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे, एक चौथाई चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच अनारदाना पाउडर ऐड कर देंगे। और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आधा नींबू भी ऐड कर देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर डालने से इस मिक्सचर की बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। अब ये हमारे कॉर्न और पोटैटो का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसे पॉलिथीन में ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे पास ये पॉलिथीन है, आप कोई भी तरह का पॉलिथीन दे सकते हैं। सारा मिक्सचर हमने इस पॉलिथीन में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसे चारों ओर से इक्वली प्रेस कर देते हैं। अभी हमारा मिक्सचर एकदम सेट हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इससे हमारे जो फ्राइज है वो क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। ये हमने एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम अपने मिक्सचर को फ्रिज से निकाल लेते हैं। ये लगभग हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब हम इसने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम पॉलीथीन को काट लेते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, इसके पीसेस काट लेते हैं। मैं इस शेप में काट रही हूँ, आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। ये फ्राइज हमने काट लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम अपने फ्राइज इसमें फ्राई कर लेते हैं। ये हम फ्राई कर लेंगे। गैस जो है आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है। अभी हमारे फ्राइज थोड़े ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं।
बाकी फ्राइज भी इसी तरह हम इसमें डाल देते हैं। आप इस मिक्सचर को एक दिन फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और अगले दिन आप फ्राई करके खा सकते हैं। अभी हमारे फ्राइज देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी। बीच बीच में आप चाहे तो हाई फ्लेम भी कर सकते हैं इसको पकाने के लिए। अभी हमारे फ्राइज बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी और यम्मी। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बने और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अब आप इसे रेड सॉस और चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।